कराची मंगो पीर के इलाके गुलशन तोहीद में पुलिस और मुसल्ला डकैत के दरमियान एक बड़ा मुकाबला हुआ है जी। पुलिस और डाकू के दरमियान दो तरफा फायरिंग के मुकाबले के दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार पांच मुसल्ला मुलजमान हलाक हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी सर्च ऑपरेशन के लिए इलाके में मौजूद थी। फरामान नामी शहरी ने डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। जबकि पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजमान ने अंधाधुंध पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की मौसर कार्रवाई के दौरान पांच मुलजमान हलाक हो गए। मुलजमान के कब्जे से एक एसएमजी राइफल, एक शॉटगन, तीन पिस्टल, बम एमुनेशन, चलीदा होल, कटर ताले काटने वाला जिसे कहते हैं, पांच मोबाइल फोन्स और नकदी रकम बरामद हुई है। हलाक मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब्ते की कार्रवाई जारी है। हलाक मुलजमान की शनाख्त की तस्दीक पाए मैट्रिक की तलाश डिवाइस की मदद से की जा रही है। जी बड़े साहब बताइएगा। ये यहाँ पे इस इलाके के अंदर हम लोग रात पूरी जाग के छतों पे गुजारते हैं और ये सीढ़ियों के ज़रिए सीढ़ियाँ लगा के छतों पे चढ़ते हैं और फिर छतों पे चढ़ के अंदर आते हैं। एक आदमी नेता है, एक इनके पास कलाशनकोफ हैं, इनके पास रिपीटर, इनके पास 9mm पिस्टल और फिर ये पांच नहीं है, ये 11 का टोला है। ये 11 का टोला है। ये आते हैं पूरे लेस होके, तीन चार क्लाशन कोफे होती हैं इनके पास और ये फिर घर को पूरे को घेर के उसको लूटते हैं। लूटने के बाद फिर ये कुछ ऐसे घर भी हैं कि जिनकी इज्जतें भी ख़राब की गई, वो अपनी शर्म से या अपनी इज्जत की वजह से बता नहीं रहे। तो हम लोगों के लिए आदाब ये, तो ऊपर लोड शेडिंग होती है, फिर अंधेरा होता है, फिर बिजली नहीं होती, फिर दूसरा जो है हमें मच्छर दावत करते हैं, तीसरा ये मच्छर हैं जो क्लाशनों के साथ आते हैं। सही। तो आज ये जो काम इन्होंने किया है, ये इस इलाके की दुआओं के और इनकी मेहनत और काफियों के सिलसिले में हुआ है, वरना ये तो काफ़ी दिनों से ये काम शुरू है। यहाँ एक बेचारा वो खाली ये खड़ा है, तो इसके घर में वो जब घुसने लगे तो ये ऊपर से झाँक के देखने लगा तो उसने नीचे से इसको गाल दी कि मादर चौथ कुत्ते के बच्चे नीचे हो जाओ, और नीचे से क्लाशन सीधी किसकी तरफ। अब ये क्या करता, अब इसने इधर उधर फ़ोन किए, फरमान को फ़ोन किया, ये पहुंचा और इधर उधर जो फ़ोन किए दो चार आदमी पहुंचे, उस वक्त तक वो वहाँ से कूच करके इस तरफ को निकल गए, क्योंकि ये उनका रूट था। सही। आज कुदरत को ये मंजूर था कि आज इन्होंने जहाँ भी कुछ किया है वो ये झूठ तो है नहीं, उनसे वो मवाद सब बरामद हो गया, रिपीटर भी बरामद हो गए, पिस्टल भी बरामद हो गए, क्लाशें भी बरामद हो गई और इतने बड़े इतने जो रुमाल में बांध के राउंड लेके गए हैं वो भी, और उन्होंने डायरेक्ट पुलिस पे फायर भी किए। इसमें एक चश्मे वाला कांस्टेबल है, पिस्टल स्पीकिंग है वो, उस पर उसने डायरेक्ट फायर मारा है। वो थोड़ा सा ऐसे हुआ जाके गोली लगी है उस पर दीवार पर, अगर वो देव थोड़ा सा इधर नहीं होता तो उसकी सीधी छाती पार कर जाती। उन्होंने बाकायदा पुलिस मुकाबला किया है। भी मुतमईन है पुलिस के काम से आप लोग? बहुत 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 मैं क्या बोलते हैं भाई, बहुत बेहतरीन काम किया पुलिस ने, कुराई साहब ने, एंड मौके वक्त के ऊपर मुकाबला किया, डट के किया इन लोगों से। इन लोगों ने भी जवाब में दे रहे थे, लेकिन हम लोगों के मोर्चे कुराई साहब ने बांधे हुए थे यहाँ पे, लेकिन आवाम यहाँ की खुश थी अभी इस टाइम पे मौजूदा वक्त में कि इनसे जान छूट गई है, लेकिन बहुत परेशान किया हुआ था इन्होंने। हर दूसरे दिन किसी न किसी के घर में चोरी, डाका, लूटा मारी, मारना धाड़ना लगाया हुआ था। अभी तमाम आवाम यहाँ पर बड़ी खुश है। ठीक है, पुलिस का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अहले इलाका के साथ बहुत बड़ा तामन किया, अहले इलाका का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने तामन किया पुलिस के साथ और बर वक्त करवाई हुई, क्योंकि ये रात को 2 बजे यहाँ से आए और वापसी सुबह के टाइम जब यहाँ से जाने लगे पूरा पुलिस ने पहले से विकटें लगाई हुई थी, इनको किसी ने बता दिया, फिर इन्होंने मुकाबला किया, फायर मारे, तो पुलिस ने बर वक्त करवाई की और इंशाल्लाह ये जो इनका काम हो गया तमाम, इसीलिए गए जहन्नम में। ये पुलिस की जो कामयाबी हुई है, ये रात पूरी इन्होंने इन मच्छरों में जाग के गुजारी, पुलिस ने ये पूरी रात जाग के गुजारी और तब जाके ये कामयाबी हुई। ये तो सुबह 5:30 बजे के टाइम पे इनका रिटर्न हुआ है, वो दफ्तर से वापस जा रहे थे अपनी हाज़िरी लगा के, जो उनकी हाज़िरियाँ होती हैं, तो
यहाँ आगे पुलिस मौजूद थी और इन्होंने बाकायदा पुलिस से मुकाबला किया ठीक है, फायरिंग की है।